नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि आज हमारे यहां सनातन धर्म को बांटा जा रहा है। धर्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर कई लोग राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व और सनातन धर्म पर राजनीति नहीं होगी, और यदि होती है तो हमारे लिए और समाज के लिए ठीक नहीं होगा। दिग्विजय सिंह सम्माननीय, जिनके लिए लोग कह रहे हैं कि वह हिंदुत्व की छवि वाले नहीं है, तो भारत के संत उनके साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 तारीख को माँ कामाख्या का प्रचंड यज्ञ 5 कुंटल मिर्ची यज्ञ लाल खड़ी मिर्ची से होगा और उसकी कोई धस नहीं आएगी। मैं दावा करता हूँ कि उसमें दिग्विजय सिंह की जीत होगी, और अगर किसी कारणवश जीत नहीं होती है तो मैं महामंडलेश्वर वहीं उसी जगह जिंदा समाधि ले लूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं 20,000 साधु मिलकर घर घर जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जो आज हमारे यहाँ सनातन धर्म को बांटा जा रहा है, धर्म के ऊपर कई लोग राजनीतियाँ करना चाहते हैं हिंदुत्व के ऊपर, तो मैं कहना चाहूँगा हिंदुत्व के ऊपर राजनीति नहीं होगी, सनातन धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होगी, और ये होता है तो हमारे लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। इसी बीच में दिग्विजय सिंह सम्माननीय, जिनके लिए लोग कह रहे हैं वो हिंदुत्व की छवि वाले नहीं हैं, ये छवि वाले नहीं हैं, तो भारत के संत उनके साथ हैं। और छोटी सी बात कह देता हूँ, 5 तारीख को माँ कामाख्या का प्रचंड यज्ञ 5 कुंटल मिर्ची यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें लाल मिर्ची पूरी रहेगी और कोई धस नहीं आएगी। मैं दावा करता हूँ उसमें सम्माननीय दिग्विजय सिंह की जीत होगी, और किसी कारणवश नहीं होती है तो मैं महामंडलेश्वर वहीं उसी जगह जिंदा समाधि ले लूंगा, ये मेरा प्रण है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।